आरक्षण को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार पिछली राज्य सरकार लगातार आयोग नहीं गठित कर रही थी, आपने उसमें त्रुटि भी बताई और इस सरकार ने ओबीसी आरक्षण दिया, कैसे देखा? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर से लागू करवा लिया है। उच्चतम न्यायालय ने आज उसका फैसला दे दिया है। हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकारा है। महाराष्ट्र में फिर से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है। 13/12/2019 को पिछली उद्धव जी की सरकार को उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डेडिकेटेड आयोग तैयार कीजिए, एम्पिरिकल डेटा जमा कीजिए, ट्रिपल टेस्ट पूरी कीजिए और उसके बाद आप आरक्षण लागू कीजिए। 15 महीने जब उस सरकार ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण स्थगित कर दिया। उसके बावजूद सरकार लगातार समय पास करती रही। पहले तो कमीशन नहीं बना, कमीशन बना तो उसको स्टाफ नहीं दिया, कमीशन काम नहीं कर पाया। एक फर्जी रिपोर्ट, मैं फर्जी इसलिए कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत स्ट्रिक्चर्स पास किए, इस प्रकार की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा और उसके बाद राज्य के ओबीसी आयोग ने कहा यह रिपोर्ट हमने तैयार ही नहीं की है और हमको इस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद लगातार हम ये कह रहे थे कि इसमें जनगणना की आवश्यकता नहीं है, ये सेंसस का विषय नहीं है, ये एम्पिरिकल डेटा का विषय है। एक साइंटिफिक स्टडी करके जो निष्कर्ष निकलते हैं ऐसा एम्पिरिकल डेटा हमको देना है। 2 महीने में सरकार वो कर सकती है, लेकिन सरकार लगातार टालमटोल करती रही। अंत में सरकार ने बांठी आयोग तैयार किया और हमारी सरकार के आने के बाद हमने तुरंत उस आयोग से निवेदन करके उचित समय में उसका साइंटिफिक डेटा उसको कोलेट करके, उसको क्यूरेट करके, वो जो कोई रिपोर्ट तैयार हुई उस रिपोर्ट को हम लोगों ने सही समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और उस पर आज सुनवाई हुई। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण वापस बहाल कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी ओबीसी समाज का अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनकी लड़ाई थी, हम लोग लड़ रहे थे, साथ में लड़ रहे थे, इस लड़ाई को हमने जीता है। और साथ साथ जिन लोगों ने, चाहे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे सॉलिसिटर जनरल हो, चाहे आदरणीय नाफड़े साहब हो या हमारे राज्य के महाधिवक्ता हो, हमारे सारे अधिकारी हो या जो राजनेता जिन्होंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ऐसे सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, आपने जब वादा किया था कि 4 महीने में मेरी सरकार आएगी तो आरक्षण दूंगा, लेकिन तब आप बहुत ट्रोल किया गया, उस वाकई के बारे में बताइए। देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ये पूरे तरीके से मैं समझ रहा था और मेरे ध्यान में ये आ रहा था कि सरकार तत्कालीन ये बिना किसी कारण के केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखाकर सेंसस डेटा मांग रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट डेडिकेटेड आयोग ने तैयार किया हुआ एम्पिरिकल डेटा बोल रही है। इसलिए मैंने उस समय कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है, हमारी सरकार अगर आती है तो 4 महीने में हम लोग ये आरक्षण बहाल करेंगे। ये बहुत सोच समझ कर मैंने कहा था और आज वो हो रहा है। इस समय श्रेयवाद की जो लड़ाई चल रही है, लगातार अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके पीछे अपोजिशन की सरकार ने सारा काम किया। देखिए, मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर श्रेय लेना चाहते हैं तो फिर ये जो 13/12/2019 को उस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और 2 साल सरकार उस पर बैठी रही और उस बीच जिला पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, महानगर पालिका के चुनाव हुए, सारे चुनाव बगैर आरक्षण के हुए, इसका पाप किसका है? इस पाप के भागीदारी कौन है? ये किसके कारण पाप लगा है? तो विपक्ष इस पाप को भी पहले स्वीकारे, उसके बाद श्रेय लेने की कोशिश करे। हमको श्रेय नहीं चाहिए, हमने कहा था 4 महीने में करेंगे, हमने करके दिखाया। सर, बीएससी और टीएमसी का ओबीसी आरक्षण के बिना रिजर्वेशन सीटों का डिक्लेरेशन हो चुका है, अब कैसे नहीं, वहां पर ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। आज के लिए बड़ा दिन है,
लेकिन साथ में महाराष्ट्र के लिए बढ़ाते रहे। पूरा महाराष्ट्र चलना चाहता है कि जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार है उसके लिए कोई तय समय सीमा है या आप लोग कब तक करने वाले हैं? देखिए जैसे तय होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ओबीसी आरक्षण के बिना सभी आरक्षण की सीटें तय हो चुकी हैं, महिला ओपन सब, अब उसमें कैसे समाहित करेंगे? कोर्ट ने उसकी परमिशन दी है, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से परमिशन दी है कि अभी आने वाले सारे चुनाव में ये आरक्षण लागू होगा। पिछले दिनों जिस तरीके से चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग ने 96 नगर परिषदों के और ग्राम पंचायतों के चुनाव जो स्थगित किए थे उसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा और महाराष्ट्र मुंबई का डिलिमिटेशन से आप फिर से प्रभाव रखना? देखिए डिलिमिटेशन के बारे में तो कुछ लोगों के मत है जो नियम के अनुसार नहीं हुआ ऐसा लोगों को लगता है, उस पर हम देख रहे हैं, उस पर लीगल ऑप्शंस क्या है हम लोग देख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले दिनों में सारे चुनाव में ये ओबीसी आरक्षण लागू करने की परमिशन दी है, आदेश दिया है, इसलिए सब में लागू होगा।